स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स। एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है बाकी अगले बैच के लिए, नेवी और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अभी सामने आने वाला है। सो जीके का खेल खत्म पार्ट टू स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है और इसमें बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया क्या चीज़, आपका जो प्रमुख संस्था है, भारत के प्रमुख संस्था, उसको हमने डिस्कस किया। ये पार्ट टू जिसमें हम डिस्कस करेंगे खेलों खिलाड़ियों की संख्या, ठीक से आपको बताएंगे कैसे याद करना है। सारे पार्ट जो चलेंगे वो ठीक से ही चलेंगे और मात्र 5 सेकेंड में आपको ये ट्रिक के माध्यम से कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बाद में आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशली कोस्ट गार्ड नेवी के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये पार्ट चल रहा है और इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे आपको मिलते रहेगा पर डे। अब टाइम एक शेड्यूल मैं सोच रहा हूँ फिक्स कर दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा टाइम क्या रखा जाए। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सपना है डिफेंस में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इसका PDF कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, राइट। चलिए, PDF आपको टेलीग्राम मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा ताकि आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। और सेकंड चीज़, आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, अब क्या रहेगा इसमें, चलिए हम लेके चलते हैं। आपको वीडियो में क्या रहेगा, PDF जो रहेगा उसमें पासवर्ड लगा रहेगा ताकि जिससे आपको पासवर्ड इस वीडियो में ही बताया जाएगा, राइट। तो आप लोग को फुल वॉच करना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए लेके चलते हैं और आपको कंप्लीट, ये मात्र 5 सेकंड में आपको याद होने वाला है, इसकी गारंटी मेरी। ओके, चलिए, अगर नहीं याद होता है तो कमेंट सेक्शन में आप आप जरूर बताइएगा कि नहीं याद हो, आपने झूठ बोला था, ये हो, जो भी आप बोलना है बोल सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता है बहुत सारे खेल हैं, तो इतना खेल का कैसे याद रखा जाए, तो ये तो मैंने लगा रखा है खेल खिलाड़ियों की संख्या स्पोर्ट्स लीग के है और पार्ट टू अभी चल रहा है आपका, ये बहुत सारे खेल है तो कैसे याद रखा जाए आपको पता है। पोलो में यहाँ पे दे रखा है 4, कबड्डी 7, हॉकी 11, फुटबॉल 11, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। अब इसको याद कैसे करना है वो चलिए उस पर लेके चलते हैं ट्रिक पे, राइट। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके गेम, तो बहुत सारे हैं, गेम के कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स को, मैंने देखा है, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर आपका SSC वगैरह का एग्ज़ाम देख लिया जाए, तो उसके हिसाब से मैंने इसको बना रखा है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ट्रिक और खेल और खिलाड़ियों की संख्या, और ट्रिक आपको नोट कर लेना है सबसे पहले, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, राइट। सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको आपको नोट कर लेना है, इसको खेल और खिलाड़ियों की संख्या, इसको नोट करिए भाई साहब, इसको आपको नोट कर लेना है। ओके, और ये देखिए ट्रिक हमारा क्या है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, आपको इसको याद करना है, बस 5 सेकंड आपको गिनना है, और P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, बस इतना याद कर लेना है, बाकी खेल खत्म हो गया, बस याद हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखिए मैंने कैसे इसको डिज़ाइन किया है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, 5 बार आपको नोट करना है, आप लिख भी सकते हैं कॉपी पे, बाकी इसका PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो बाकी PDF भी टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम से ऐड हो जाएगा। आपको याद कैसे करना है, 5 सेकंड में आप टाइम सेट करिए, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको ट्रिक तो ये हो गया, अब इसको देखिए कैसे डिज़ाइन किया गया। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है भाई साहब, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पे दे रखा है P4, P से हमारा क्या आता है भाई साहब, P से क्या आता है, कोई गेम याद आ रह गया, पोलो, पोलो, और P4 दे रखा है तो पोलो में कितने प्लेयर हो गए, 4 प्लेयर हो गए, कितने हो गए, 4 प्लेयर। उसके बाद ये क्या दे रखा है, ये 4 हो गए, तो इसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, खेल खत्म। चलिए ये 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 5 नंबर हो जाएगा, राइट। ये आपने देख लिया, P4 पोलो, पोलो 4, बास्केटबॉल 5, वाली, वाली से क्या बोलेंगे, वॉलीबॉल, क्या बोलेंगे भाई साहब, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के में कितने हो जाएंगे, वॉलीबॉल में आपको ट्रिक याद करके रखना है, चाहे पोलो, बास्केटबॉल, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल आपको नोट कर लेना है, वॉलीबॉल में कितने हो जाएंगे, 5 था बास्केटबॉल, 6 वॉलीबॉल, यहाँ पे 7 नंबर में दे रखा है, तो 7 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, 7 नंबर में हो जाएगा नेटबॉल, क्या हो जाएगा, नेट बॉल, राइट, नेट बॉल कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद दे रखा है 8, 8 पे क्या हो जाएगा, जिमनास्टिक, राइट, तो आपको नोट कर लेना है, जिम
नास्टिक, जिमनास्टिक आपको 8 पे याद कर लेना है। यार खो, खो क्या थी, खो खो आपने सुना होगा नाम, राइट, खो खो, खो से खो खो, और खो खो आ रहा है 9 पे। चलिए एक बार फिर से दोहराएंगे और कुछ और जो बच गए हैं वो एक दो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद करना है, राइट। ये लगभग हो गए कितने प्लेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 लगभग आपको याद हो गए होंगे, राइट। एक देखिए, एक आपसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 6 आपको याद हो गएंगे, 7वां जो आपका ये हो गया। अब देखिए एक जो चीज़ बज रहा है, कबड्डी और वाटर पोलो, राइट, ये आपको फिर से याद कर लेना है। अब मैं बता दूं कबड्डी के लिए, तो कबड्डी और वाटर पोलो ये दो चीज़ आपको याद करना है, कैसे, वाटर पोलो, ओके। ये दोनों में कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, तो आपको नेटबॉल जब नज़दीक आएगा तो उसको याद करना होगा। कबड्डी और वाटर पोलो में भी 7 प्लेयर होते हैं, और एक और बच गया है बेसबॉल, और खो खो में कितने होते हैं भाई साहब, तो 9। बस ये ट्रिक याद करना है, 7 ये याद हो जाएंगे, एक दो आपको ऐसे याद करना होगा जैसे कि कबड्डी, वाटर पोलो और बेसबॉल, ये दो चीज़ और आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ। और बेसबॉल में भी कितना है, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, ये आपका हो गया, बेसबॉल में कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए अब बच गया क्या, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तो ये तो सभी को याद हुआ होगा, राइट। टेनिस में कितने लोग खेलते हैं, टेनिस में कितने लोग खेलते हैं, एक या खेलेंगे या फिर दो खेलेंगे, राइट, एक या दो का मतलब एक उस साइड और एक इस साइड, राइट, या फिर दो उस साइड या दो इस साइड, राइट, ऐसे नहीं, 4 नहीं बोल लीजिएगा, ओके, क्योंकि पता है ना क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11, तो 11 इधर भी होते हैं, 11 भी, लेकिन प्लेयर कितने बोल दिया जाता है, 11, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो टेनिस हो गया, और टेबल टेनिस, टेनिस और एक होता है टेबल टेनिस, तो इस ये भी सेम है, टेनिस टेबल टेनिस, एक होगा या फिर दो होगा, राइट, एक या दो, तो आपको नोट कर लेना है, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन, इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है भाई साहब, तो इसमें होता है आपके दो दो प्लेयर होते हैं, ओके, इसमें कितने कितने प्लेयर होते हैं, दो, एक या दो, टेनिस, टेबल टेनिस और आपका हो गया बैडमिंटन, इसमें एक या फिर दो, नोट कर लेना, बाकी ये P4 से याद हो गया। अब बच गया क्या चीज, अब तीन चीज आपको याद कर लेना है, और क्या, क्रिकेट में आपको सभी को पता है क्रिकेट 11, हॉकी 11 और फुटबॉल भी 11, राइट, ये तीनों खेल सभी लोग जानते होंगे, और तीनों खेल में 11-11 प्लेयर होते हैं, बाकी खेल खत्म हो गया जीके का, बाकी चलिए खेल खत्म हो गया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं आपको याद हो जाए। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, P4 पोलो बास्केटबॉल हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको और भी बता दूँ, बास्केटबॉल हो गया, उसके बाद यहाँ पे वॉलीबॉल 6 हो गया, नेटबॉल 7 था, यहाँ पे देख सकते हैं 7, जिमनास्टिक 8, खो खो 9, ये याद हो गया, और खो खो के पास 9 आ रहा है, यहाँ पे बेसबॉल आ जाएगा, और नेटबॉल के पास 7 आ रहा है, तो यहाँ पे कबड्डी और वाटर पोलो हो जाएगा, राइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रग्बी, एक रग्बी खेल होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस खेल में प्लेयर होते हैं, तो वो है रग्बी, और कितने प्लेयर होते हैं भाई साहब, 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में, चाहे SSC वगैरह एग्जाम में अगर आ सकता है, तो रग्बी कितने प्लेयर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं रग्बी में, ये आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन सभी को याद होगा, एक या खेलेंगे या फिर दो खेलेंगे, और क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में कैसे, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11 प्लेयर। चलिए तो कैसा लगा वीडियो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, शो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF टेलीग्राम पे, सो वहाँ पे ऐड हो जाइए। चलिए दोस्तों मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, और टाटा बाय बाय। चलिए PDF टेलीग्राम पे, और चीज़ मैं बता दूँ आपको, PDF का पास 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 आप डायल करिएगा, PDF का पासवर्ड ओपन हो जाएगा, ओके। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।